अस्सलाम वालेकुम, हारिस फ्लो की तरफ से खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे आलू गोभी। इसके लिए मैंने ली है आधा किलो गोभी। इस शेप में आपने काट लेनी है, और आलू मैंने लिए हैं आधा किलो आलू लिए हैं, वो भी आपने इस तरह काट लेने हैं। और टमाटर चॉप किए हुए, टमाटर ऐसे चॉप, प्याज और हरी मिर्च कटी हुई, और जो मैंने काली मिर्चें और ज़ीरा मैंने इस तरह पीस लिया है, साबुत काली मिर्चें और ज़ीरा, और ये मिर्चें, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक हसबे ज़ायका, ये अदरक का पेस्ट बना लिया इस तरह, और लहसुन ऐसे पेस्ट बना लेना है आपने, और बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें, और ये मैंने धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें गार्निश के लिए ली हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 कप ऑयल शामिल करेंगे। 2 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट, और चॉप प्याज, इसे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, साथ ही अदरक भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। हमने इसके अंदर का पेस्ट बनाया। अब इन्हें अच्छी तरह से इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा आपने इसे लाइट ब्राउन कर लेना। ये हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर डाल दिए इसके अंदर, साथ ही हम इसके अंदर सूरख मिर्च भी डाल देंगे, नमक हल्दी शामिल कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से भूनेंगे, जब हमारे टमाटर मैश हो जाएंगे तब हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारे टमाटर मैश हो गए हैं, थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे 2 मिनट। अब हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे, डाल देंगे इसके अंदर, साथ ही सब्ज़ी मिर्च है, साबुत काली मिर्च है, और बड़ी इलायची, ये डाल के 5 मिनट को अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू डाल देंगे, आलू डाल के 5 मिनट को हम भून लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल कम लगे तो आप नीचे थोड़ा सा ऑयल डाल भी सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जिस तरह से हमने गोभी भी भून ली है, हमारे आलू भी भून चुके हैं, अब हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे, तो हल्की आँच पर इसे दम करेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना, कि आपकी गोभी बिल्कुल मैश हो जाएगी। 1 कप पानी शामिल करके आपने इसको हल्की आँच पर दम दे देना, ताकि हमारी गोभी भी गल जाए और आपकी अच्छी तरह से गल जाए। हमारी गोभी पक रही है, अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आपने थोड़ा सा इसको 5 मिनट और हल्की आँच पर पका लेना है। अगर आपको लगे कि आपकी गोभी थोड़ी सी गल गई है ज़्यादा, तो आप थोड़ी सी आँच तेज करके इसका पानी खुश्क कर लेना है। ये हमारा आलू गोभी का सालन तैयार है, तो देखिए हमारा ऑयल खुश्क हो गया है, ऊपर ऑयल आ गया। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च पिसी हुई हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। मज़ेदार आलू गोभी का सालन तैयार है, हमारा मज़ेदार आलू गोभी का सालन तैयार है। यकीनन आपको ज़रूर हमारी जो रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,
अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।